नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा पुलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आज सुबह समान थाने पहुंची एक युवती सहित महिला ने दो युवकों द्वारा उनके साथ गलत कृत्य किए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद तत्काल एक्शन में आई पुलिस ने दोनों युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाई है। वहीं होटल के सीसीटीवी के DVR को भी जब्त किया गया है। घटना की सच्चाई क्या है यह तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक समान थाना क्षेत्र के संजय नगर में संचालित होटल किंग एंड गेस्ट हाउस में खुद के साथ गलत कृत्य किए जाने का आरोप एक युवती सहित महिला ने लगाया है। थाने पहुंची महिलाओं ने बताया कि वह रात में होटल में रुकी हुई थी, इसी दौरान उनके साथ दो युवकों ने यह गलत कृत्य किया है। युवती और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हरकत में आई पुलिस ने तत्काल होटल पहुंचकर संदेह के आधार पर दो युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाई है, जबकि घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। महिला और युवती द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता है इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। वहीं सीसीटीवी के DVR में से भी घटना की सच्चाई का पता लगाया जाएगा। हम आपको बता दें यह वही होटल है जहां पूर्व में भी इस प्रकार की गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायतें समान थाना पुलिस को मिली थी। इतना ही नहीं, इस होटल के पूर्व के संचालक द्वारा थाना प्रभारी सहित महिला उप निरीक्षक के खिलाफ पैसे मांगे जाने की शिकायत लोकायुक्त में दर्ज कराई थी। महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता क्या है फिलहाल पुलिस इसका परीक्षण कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। Yeah.